कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बुरी तरह फंसे हुए थे। उनकी माइनॉरिटी सरकार को 63% नागरिक नापसंद करते थे और वो अपने कंजर्वेटिव पार्टी प्रतिद्वंदी से 10 अंक पीछे थे अपनी दूसरी कार्यकाल के मध्यंतर में। ज्वार पलटने के लिए उन्हें कुछ तो करना था, अब्रकदाब्रा। और उन्हें मुद्दा मिला जब कट्टर खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर, जो ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर के एक बड़े गुरुद्वारा के अध्यक्ष थे, दो नकाबपोश लोग से मारे गए गुरुद्वारा के पार्किंग एरिया में। निज्जर दो वजहों से एकदम सही मोहरा था। एक, वो सिख था और 25 सीटों वाली एक सिख पार्टी ही थी जिसके लीडर जिम्मी धालीवाल, एक और कट्टर खालिस्तानी जिसने ट्रूडो को 2021 चुनाव में सहारा देकर उसकी सरकार बनाने में मदद करी, और दूसरा कि वो अंदरूनी मामलों में दखल देने के बहाने से भारत के खिलाफ कार्रवाई करके एक मजबूत नेता दिखाई दे और अपने देशवासियों को एकजुट कर सके। भारत कई सालों से निज्जर को वापस भेजने के लिए कनाडा पर दबाव डाल रहा था, लेकिन वो अड़े रहे। यहाँ तक कि 2014 में उसे नागरिकता भी दे दी और बचाए रखा, बावजूद इसके कि उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और सिर पर 10 लाख का इनाम था, और बावजूद इसके भी कि पंजाब में उसने आतंकवादी हमले कराए थे, जबरन वसूली, हिंदू और आरएसएस नेताओं की हत्याएं और बम विस्फोट। इसीलिए जब एक और खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के नेता ने निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया, ट्रूडो ने तुरंत उनका समर्थन किया, भले ही उनके पास किसी भी तरह का सबूत नहीं था। सिर्फ ये कि उसे ठीक 3 दिन पहले एक अन्य खालिस्तानी उग्रवादी की ब्रिटेन के एक अस्पताल में संदिग्ध हालत में मौत हुई, और 1 महीने पहले एक और की लाहौर में गोली मारकर हत्या की गई थी, तब शक की दिमाग ने एक सिलसिला जोड़ा। लेकिन जल्दी उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा जब 5 आईज के देश भारत पर दबाव बनाने की उसकी गुंजाइश की कोई नहीं सुनी। असल में अमेरिका को खुद निज्जर की साजिश के बारे में नहीं पता था, वरना वो चेतावनी देने की ड्यूटी सिद्धांत के तहत कनाडा को बताने के लिए मजबूर होते। पर कोई नहीं, उन्होंने G20 बैठक से पहले भारत में एक जांच टीम भेजी सहयोग की मांग के साथ, लेकिन उन्हें नकार दी गई। अब आया गुस्सा और G20 से कुछ ही दिन पहले ट्रूडो ने भारत के साथ ट्रेड बातचीत बंद करवा दी, और सोचा कि दिल्ली का G20 सम्मेलन एक अच्छा मौका होगा जहां वो इस मुद्दे को जोर से व्यक्तिगत रूप में मोदी जी के साथ उठा सकेंगे। मगर हुआ उल्टा, और भारतीय प्रधानमंत्री थे जिसने कैनेडियन प्रमुख को सबके सामने डांटकर उसकी पुंगी बजाई। भारत और मोदी की नाराजगी जायज है। खालिस्तान का मुद्दा भारत में कुछ नहीं, 95% सिख गर्व से खुद को हिंदुस्तानी मानते हैं। ये पुख्ता हाल में ही साबित हुआ जब खुद को नया ब्रिंदन वाले बताने वाले अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई बिना किसी विरोध के, जब पंजाब पुलिस ने उसे मार्च अप्रैल में 35 दिनों के चेस के बाद पकड़ा। लेकिन लगता है कि कुछ देशों को, खासकर कनाडा को, मजा आता है ये खालिस्तानी वाला मुद्दा जिंदा रखने में और खालिस्तानी उग्रवादियों को सुरक्षित ठिकाना देने में भी। कनाडा ने इन उग्रवादियों को मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप चलाने में भी मदद की, जहां AK-47 स्नाइपर राइफल और पिस्तौल की ट्रेनिंग दी गई। सिखाए गए में से कुछ को फरवरी 2016 में भारत भेजा गया पुलिस अफसरों, राजनीतिक और आध्यात्मिक नेताओं को निशाना बनाने के लिए, लेकिन कुछ करने से पहले उन्हें पकड़ लिया गया। कनेडियन अधिकारियों ने तब भी दूसरी तरफ देखा जब खालिस्तानी सिखों ने पंजाबी स्वतंत्रता पर रेफरेंडम कराया फ्रीडम ऑफ स्पीच की ओर में, ना ही घोर अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करी, जैसे कि पंजाब गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के जिम्मेदार, जिसके हिट का ऑर्डर माना जाता है कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ब्रान ने दिया था। इसके पहले 2020 के किसान विरोध में भी ट्रूडो ने पीएम मोदी जी की आलोचना करी थी सिख वोटों को लुभाने के लिए। ट्रूडो की 2018 भारत यात्रा के दौरान भी एक ऐसा बंदा जो भारतीय कैबिनेट मंत्री की हत्या के प्रयास में दोषी ठहराया गया, उसे कैनेडियन पीएम के लिए आयोजित कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया था। अगर ये कनाडा का भारत के घरेलू मामले में दखल देने का सबूत नहीं है तो और क्या है? जस्टिन ट्रूडो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते दिख रहे, वो भी वही कर रहे हैं जो पीटर ट्रूडो ने किया जब वो पीएम थे खालिस्तानी के मुद्दे पर। 1982 में उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मांग को नकारा था तलविंदर सिंह परमार को सौंपने की, जिसने पंजाब में 2 पुलिस वालों की हत्या करके कनाडा भाग आए थे।
वही परमार बाद में 1985 के एयर इंडिया बम विस्फोट में शामिल था, जिसमें 329 निर्दोष की जान गई जब खालिस्तानी आतंकवादियों ने विमान को हवा में उड़ा दिया। तो कोई ताज्जुब नहीं कि 1973 में इंदिरा गांधी के बाद से 42 साल लगे कोई भारतीय प्रधानमंत्री को कनाडा जाने में, मनमोहन सिंह का 2010 G20 दौरा छोड़कर। इस इतिहास के बावजूद ट्रूडो को बड़ा बुरा लगा जब मोदी जी ने उनके साथ व्यक्तिगत मीटिंग करने से इनकार करके कार्यक्रम के साइट पर छोटी सी भेंट की, जबकि ट्रूडो के 4 सहयोगी सिर्फ दिखावे के लिए उनका साथ दिया। इसके तुरंत बाद ट्रूडो चिड़ में नखरे शुरू करने लगे, मोदी जी का हाथ मिलाने से नजरअंदाज किया जब दोनों महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने गए थे। कहा गया कि ट्रूडो अपनी सुरक्षा टीम के एतराज के बावजूद गुस्से से अपना बुलेट प्रूफ ग्लास वाला प्रेसिडेंशियल कमरा छोड़कर एक मामूली कमरे में रुकने पर जबरदस्ती की। फिर राष्ट्रपति के स्वागत समारोह से गुल रहे और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की घोषणा से भी। पर किस्मत का खेल देखो कि देश लौटने के वक्त उनका विमान धोखा दे गया और वो 36 घंटे के लिए नई दिल्ली होटल रूम में अटके रहे, जहां अकड़ू ट्रूडो समय बर्बाद करना पसंद किया जब मोदी जी की मेहमान नवाजी उनका व्यक्तिगत विमान एयरफोर्स 1 में सफर करने का प्रस्ताव ठुकराया। गुस्से में घर लौटने के बाद ट्रूडो कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स वहां की लोकसभा में घोषित किया, क्रेडिबल एलिगेशंस ऑफ अ पोटेंशियल लिंक बिटवीन एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द किलिंग ऑफ अ कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निजर। जवाब में भारत ने ऐसे कड़े शब्द सुनाए जो आमतौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक सुरक्षित ठिकाना आतंकवादियों, चरमपंथियों और संगठित अपराध के लिए। इसके बाद कनाडा भारत के ओटावा रॉ स्टेशन चीफ पवन कुमार राय को निष्कासित किया, पर भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में कनाडा खुफिया एजेंसी स्टेशन चीफ को बाहर फेंका और कैनेडियन नागरिकों को भारतीय वीजा देना रोक दिया जब कुछ कैनेडियन सिखों ने वहां के हिंदुओं को इंडिया वापस जाने के लिए धमकाया। व्यापार में रुकावट आने लगी और म्यूजिक कॉन्सर्ट रद्द किए गए। भारत भी पीछे हटने से इनकार किया और जैसे का तैसे कदम में कनाडा के राजनायकों की संख्या 62 से घटाकर 21 करवाने का आदेश दिया। सब कुछ एक फालतू के मुद्दे पर, क्योंकि न तो कैनेडियन पुलिस ने गोली चलाने वालों की पहचान की और न ही उन्हें पैसे देने वाले की, और किसी पर कोई आरोप दर्ज तक नहीं किया। और हालांकि भारतीयों को गर्व होता होगा इस इल्जाम पर कि उनमें वो काबिलियत है दुनिया के किसी भी कोने में छिपे दुश्मनों को सफाया करने का, सच्चाई शायद कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में ही मिलेगी, दो सिख गुटों के बीच की दुश्मनी में, जिसमें हो सकता है भारत ने उसका फायदा उठाया। पिछले जुलाई 1985 के एयर इंडिया बम विस्फोट का एक दूसरा आरोपी रिपुदमन सिंह मलिक को गोलियों से उड़ाया गया था खालिस्तानियों के गढ़ ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में। मलिक का 36 का आंकड़ा था अपने एक समय के दोस्त निज्जर से, जो और बड़ा उसके जनवरी 2022 में मोदी जी की वाहवाही करते एक चिट्ठी लिखने के बाद। चर्चा तेज है कि निज्जर ने ही पिछले साल मलिक को मरवाया था और अब मलिक के खेमे ने निज्जर को खत्म करके अपना बदला लिया। सूत्रों का कहना है कि हत्या के कुछ दिनों पहले से ही निज्जर पर एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट डार्क वेब में घूम रही थी। ट्रूडो ने भारत पर निशाना लगाकर एक गलत फैसला लिया। 1980 के दशक में पश्चिमी देश खालिस्तानी चाल से भारत को काबू में रखा किया करते थे, पर अब दुनिया बदल चुकी है और कनाडा की उग्रवादी खालिस्तानी सिखों से लाड़ प्यार की ये नीति शायद उन्हें ही काट न जाए। बिस्बो की शायरी। एक था ट्रूडो, एक है मोदी, दोनों में हुई खींचम तोड़ी, आया था भारत जमाने वो रॉब, पर लौट गया बेचारा विदाउट एनी होप। हमारे वीडियो कंटेंट के सारे स्रोत आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे।